अगर पत्रकार पे इस तरह से केस होता है तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या यह सही हो रहा है कि पत्रकारों को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है नेताओं के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा? ऐसा नहीं है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पे कहीं ना कहीं दबोचने का प्रयास किया जा रहा है, चौथा स्तंभ को हिलाने का प्रयास कर रहा है कि पत्रकारों को खुल के बोलने की आज़ादी नहीं है? नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देसी बिहार। जिस तरह से पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था, यह वीडियो LR ब्लॉग के जरिए फेसबुक के माध्यम से वीडियो जारी किया गया था, तेज प्रताप के द्वारा जारी किया गया था। उन्होंने एक लोकल टीवी, माफ़ कीजिए, उन्होंने एक न्यूज़ पोर्टल के पत्रकार वेद प्रकाश जी का एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें वेद प्रकाश जी भागते हुए नज़र आ रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना था, ये पत्रकार है जो मुझे हमें नीचा दिखाने का काम करते हैं, हमें बदनाम करने का काम करते हैं। यह वीडियो बहुत वायरल हुआ था, बहुत टीवी चैनलों के माध्यम से देखे होंगे आप लोगों ने। उन्होंने साफ तौर पे बोला था, और भी बहुत सारे पत्रकार हैं जो हमें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, जो हमें हमारे परिवार को तोड़ने का प्रयास करते हैं। इसी अंतर्गत उन्होंने आज 9 पत्रकारों पर मानहानि का केस किया है। इनमें कुछ टीवी चैनल के पत्रकार हैं, कुछ न्यूज़ पोर्टल के पत्रकार हैं। उन पत्रकारों का नाम हम आपको बता रहे हैं जिन पत्रकारों पर मानहानि का केस हुआ है। पहला नंबर देखिए, द एक्टिविस्ट, जिनका वीडियो वायरल हुआ था, द एक्टिविस्ट वेद प्रकाश जी उनका नाम है, उनका वीडियो भी वायरल हुआ था। फर्स्ट नंबर में उनका ही नाम है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, द एक्टिविस्ट वेद प्रकाश उनका नाम लिया गया। उसके बाद हम आप बताते हैं, 2 नंबर में शांत राय, जनता जंक्शन, यह काफ़ी नामी न्यूज़ पोर्टल है, इनके पत्रकार हैं और वह इनके संपादक भी हैं, उन पर केस किया। उसके बाद तीसरे नंबर पर हैं आलोक जी, आलोक भी एक पोलिटिकल पत्रकार हैं, जाने माने डिजिटल पोर्टल लाइव सिटी के पत्रकार है, कहें उन पर भी केस किया। और तीसरे देखिए, सुजीत कुमार, ये आज तक कहें सुजीत कुमार हैं या सुजीत झा सर हैं, ये तो पता नहीं, पर इसमें सुजीत कुमार लिखा हुआ है। अगर सुजीत झा है तो वह आज तक के बहुत बड़े पत्रकार हैं। 5वें नंबर पे हैं मुकेश, ये NI के पत्रकार हैं, ये देखिए वरिष्ठ पत्रकार की गिनतियों में आते हैं। 4थे नंबर में है गणेश, गणेश फर्स्ट बिहार झारखंड के पत्रकार हैं, ये एक न्यूज़ पोर्टल उनके पत्रकार हैं। उसके बाद 7वें नंबर पर है प्रकाश कुमार, रिपब्लिक भारत के पत्रकार हैं। उसके बाद 8वें नंबर पे हैं प्रकाश कुमार, ABP के पत्रकार हैं। उसके बाद 9वें नंबर पर है कन्हैया बेलारी, ये न्यूज हार्ट के पत्रकार हैं। यह 9 पत्रकार हैं जिनके नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन्हीं 9ों पे तेज प्रताप जी ने मानहानि का केस किया है। यह कहां तक जाता है यह विवाद, यह देखने वाली बात होगी। जहाँ तक पत्रकारों की आज़ादी की बात की जाती है, पत्रकारों की स्वतंत्रता की बात की जाती है, आए दिन बिहार में पत्रकारों को जिस तरह से मारा जाता है, जिस तरह से पीटा जाता है, यह किसी से छुपा नहीं। अगर पत्रकार पे इस तरह से केस होता है तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या यह सही हो रहा है कि पत्रकारों को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है नेताओं के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा? ऐसा नहीं है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कहीं ना कहीं दबोचने का प्रयास किया जा रहा है, चौथा स्तंभ को हिलाने का प्रयास कर रहा है कि पत्रकारों को खुल के बोलने की आज़ादी नहीं है, कि आप खुल के लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते? ये कहां तक जाया जाए? एक तरफ आप देखिए ममता बनर्जी का राज देख लिए, एक तरफ नीतीश कुमार के बारे में कितने सारे लोग बोलते हैं, हम ही देखिए, आप हमें देखिए, हमारे चैनल पे देखिए, हम किसी का बुराई नहीं करते, ना ही हम नीतीश जी का पर्सनली बुराई करते हैं, हम उनकी नीतियों का बुराई करते हैं। अगर हम पे भी आए दिन केस होने लगे तो जनता का मुद्दा कौन उठाएगा? अगर पत्रकार पर आए दिन मानहानि का केस होगा तो इसके बारे में कौन बोलेगा? आपकी क्या राय है, आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बोल सकते हैं, अपनी राय देख सकते हैं कि तेज प्रताप जी ने जो यह एक्शन लिया है वेद प्रकाश जी का, उन्होंने वीडियो जिस तरह से वायरल किया था वो किसी से छुपा नहीं, पर जिस तरह से 9 टीवी चैनलों के 9 पत्रकारों पर अगर केस होता है तो यह बहुत बड़ी बात है। यह बात कहाँ तक जाएगी, इस पर हम फिलहाल हमारी नज़र बनी रहेगी। आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें इस वीडियो में, आगे जो भी अपडेट आएगा इसके माध्यम से हम आपको जरूर रूबरू कराएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहें देसी बिहार।